पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पे एक सम्मेलन और जन आंदोलन छेड़ने की बात रखी. द होल इशू ऑफ EVMs हैज बीन क्लाउडेड इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. मुझे सिर्फ ये एक फर्क फिक्र होती है कि जब हम कैंपेन आगे ले जाएं तो उसको 6-7 EVM को लेकर 6-7 मुद्दे को ठीक ढंग से एक्सप्लेन करके आगे ले चले, क्योंकि इसमें टेक्निकल मुद्दे भी हैं और इसमें ये भी मुद्दे हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह नागरिकों को जवाब दे रहा है या नहीं जवाब दे रहा है, और साथ साथ SOP कैसा है कि EVM मशीन इधर से उधर कैसे मूव करते हैं. सो आई थिंक द EVM इज़ अ वेरी क्रूशियल इशू, बट इट इज़ नॉट द ओनली इशू. 27,000 crore जस्टिस कोलसे पाटिल, 27,000 crores वॉज स्पेंट ऑन द इलेक्शन. सो मनी पावर इन इलेक्शन इज ऑल्सो एन इश्यू, इट्स नॉट ओनली EVM. एंड अनलेस वी रेज दैट, अनलेस वी रेज द व्हाट्सएप, unless we raise the hate mongering, unless we raise the messaging, this will not be a complete campaign. अभी भी लोग पूरी तरह कन्विंस नहीं हैं EVM को लेकर, तो लोगों को कन्विंस कैसे करना. टेक्निकल बात एक है, मगर SOP, अगर आज कुरियर कंपनी कुरियर पैकेज को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक कर सकती है, तो इलेक्शन कमीशन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ट्रक्स के लिए बिल्कुल इनएडिक्वेट है. आप स्ट्रॉन्ग रूम में EVM रखते हैं, उसके बाद पोलिंग बूथ पे रखते हैं, बट देयर इज नो ट्रैकिंग. फिरोज, कुरियर पैकेज आर ट्रैक्ड इलेक्ट्रॉनिकली विद अ बार कोड, बट द EVM मशीन इज नॉट ट्रैक्ड. सो इट्स नॉट सिंपली अबाउट द टेक्निकलिटी ऑफ द मशीन, बट इवन द SOP दैट द इलेक्शन कमीशन इज एम्प्लॉइंग टू बी एबल टू first reach the machines and then transport the machine, that we have got a copy of the SOP of November 2018. It's completely inadequate. So I think that there needs to be a calibration in the campaign. What stage do we say what? And I think all the details. And finally, there was a Chinese company, I think called Hawaii. My trustee Cyrus Gazdar was telling me, they offered the American public. American public was not believing that that technology was safe. The company wanted to convince America that the technology was safe. Finally, after all the toing and froing in the thing, the Chinese company said, we will put our open source, we'll put our open source code in the public domain. See if you can hack it. So our demand should be, put it in the public domain and let's see if we can hack it. Let there be very intelligent demands that we make, particularly when there's a political opposition that is not willing to take it up. Thank you.